हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। ये है लावा का Z60 यानी Z60। तो इसका है FRP लॉक। तो इसमें FRP अनलॉक जो है ना बहुत ही इजी तरीके से होगा, और वो भी इससे होगा, SP टूल से होगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, और इसका जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप कोई भी मेरा मतलब वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे देख लीजिएगा, ऐसे शो मोर करके आपको वो मिल जाएगा फाइल का लिंक। मैं फाइल का लिंक दे के रखूँगा, आप आराम से फाइल डाउनलोड करके आप अनलॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसका जो है अनलॉक करके आपको बताता हूँ। पहले टूल को हम ओपन करेंगे। टूल को ओपन करने के बाद आपको हम दिखा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इसका जो DA है, DA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। Z60, Z60E, Z60 यानी Z50, ये दोनों यानी तीनों का काम करता है ये DA वाला। ये जो DA है, तो ये DA सेलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर DA मेरा सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं फाइल सेलेक्ट करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करते हैं हम। ये फाइल है, देख सकते हैं यहाँ फाइल है। और फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मेट एड्रेस है आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है ये Z60 है, अब देख लिए होंगे। और मैं बैक पैनल भी आपको शायद दिखा दिया हूँ पहले फास्ट रीडिंग में, फिर से मैं बैटरी निकाल करके दिखा देता हूँ आपको, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको फॉर्मेट एड्रेस भी दिखा देता हूँ मैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में देखा मतलब डाल दूंगा उसका भी लिंक, और या तो एड्रेस ही डाल दूंगा डायरेक्ट। तो देख सकते हैं ये फॉर्मेट एड्रेस है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कर देना है यहाँ पर फॉर्मेट में क्लिक, और यहाँ पे मैन्युअली में क्लिक करना है। और इस फॉर्मेट एड्रेस में देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, देख सकते हैं ये लेंथ वाला लेंथ में डालना है। यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ जो लेंथ है ये लेंथ में डाल देना है, और जो है ये ऊपर वाला टाइप में डाल देना है, ये एड्रेस वाला बिंग एड्रेस। तो हम बिंग एड्रेस में डाल देते हैं इसको। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, अब हम डाल दी। और आपका हम मोबाइल बहुत टाइम लगा रहा है, नेट बहुत स्लो है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट मांग लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसका बैटरी निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये Z60E है, देख लीजिएगा यहाँ पर, देख सकते हैं Z60E है लास्ट में, देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है Z60E। तो आपको शायद बढ़िया से दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है इसको चेक कर लेता हूँ ऑप्शन में। मेरा ऑप्शन में जो ये कनेक्शन और डाउनलोड चेक कर लेना है, यहाँ पे टिक होना चाहिए, अनचेक नहीं होना चाहिए, चेक होना चाहिए। और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, और हम इसको तो फ्रेंड्स एक तरीका और है जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका, जो इसका नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो फाइल है इसमें, इस फाइल को हम डाउनलोड करके यानी फ्लैश टूल से इसको एक बार फ्लैश करके देख लेते हैं। अगर ये फ्लैश हो जाता है, इसका कैचे फाइल अगर इसमें अपलोड हो जाता है, तो फ्रेंड्स ये जो है इजीली FRP अनलॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो हम बारी बारी ट्राई करते हैं इसका विदाउट बैटरी का। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका डाउनलोड हो रहा है, और ये देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है, फाइल का कोई गड़बड़ है नहीं। हम फिर से इसको जो है एक बार फॉर्मेट मार के देख लेते हैं। फॉर्मेट मैन्युअली मेरा एड्रेस डाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में मारते हैं क्लिक, और बैगर बटन दबाए हम इसको लगा देते हैं। तो
देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट भी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ उल्टा तरीके से काम किया, अभी मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ ये अगर ये हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको ऑन कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर डीएल इमेज फेल मार रहा है, तो आपको हम जूम करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम जूम कर लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, अब देख सकते हैं ये देख सकते हैं टूल डीएल इमेज फेल बता रहा है। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है हमको, अब करना है इसको फिर से दोबारा फ्लैश उसी फाइल से। तो हम फिर से हम इसको मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो है तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से ये कम्प्लीटली फ्लैशिंग डन हो गया है। अब हम फिर से डिस्कनेक्ट करके, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इसको फिर से हम ऑन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सेट जो है ऑन हो रहा है, और डीएल इमेज जो फेल आ रहा था वो फेल खत्म हो गया है, फेल नहीं आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सेट कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा और इसका एफआरपी जो है अनलॉक हो चुका है। बहुत ही इजी तरीका है, और एक्चुअली क्या है कि हमको समझ में नहीं आ रहा था, पहले हम फॉर्मेट कर रहे थे जिसके कारण नहीं हो रहा था। एक बार हम डाउनलोड किए उसके बाद फिर फॉर्मेट किए तो ये हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बहुत ही इजीली हम सेटअप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको हम सेटअप कर लेते हैं। तो इसमें जो है मेरा नेट कनेक्ट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको डिसकनेक्ट कर लेते हैं नेट को, यानी इसको कर देते हैं हम फॉरगेट। इसको फॉरगेट करने के बाद एक मिनट, फॉरगेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, परेशान हो जाते हैं। तो इसमें चलिए यहाँ डोंट सेटअप ये हम कर देते हैं, डोंट यानी नेटवर्क। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा सेटअप जो है कंप्लीट होने जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई एफआरपी भी नहीं है, बहुत ही इजीली बाईपास हो चुका है, मतलब एसपी टूल से हो चुका है ये काम, मतलब कुछ अलग टाइप से हुआ इस बार। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,